अचार वाल बहुत नहीं है। पहली ताइले दुकान लो खोला वाले थी धनेर पुओ पुओ ओ नीचे आ गया नीचे चल अच्छा नीचे तुम चलो नाम प्रकाश है हमें चलो नाम प्रकाश बोल तो और तो दवाई खाने से दवाई खानी है जसो हॉस्पिटल दवाई खानु ने घोजी घोजी गई इतनी घोजी रही है थोड़ी योगा लग रही करो योगा अक्षय ने रहती पढ़ भी ऐसे पढ़ा दो पैर को इधर का गर्दन इधर को कमर है वो है इलाज तो अगर शावल रोड डेली कर ला जो ये खुद मर के ना मेरा बाजा भार में मर के यो आप जाना गरुड़ गई तब ने ग्वाल दम बनली दवाई ले खा पर ये जाग में भाई पी लियो हां पी ले ये जाग में नस दिखा दो नस होई ना नस नस भाई वाला लगी उल्टी घाने हो घाने में ये कितना सुंदर है ये आ आ आ आजा 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 आजा। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे ना ये कंधार कारगिल के ठीक आगे बेंड पे कल भी हम हाँ बताओ बेटा कहाँ पढ़ते हो आप लोग कहाँ पे स्कूल यहाँ नीचे तो नाम बताओ यार अपना अपना नाम तो बताओ ये है सत्यम आप वो सोनी है ना शिवानी और ये तो क्या बताएं आप मैगी तो जो खा लिया वो अच्छा है बीना तोली से आ गए वापस चाय भी बनी थी मैगी भी लिया हमने और काफ़ी लोग मिले भी उनसे मुलाकात हलवाई हुई दुकान वाले से ही बात हुई उसके बाद हम आगे वापसी क्योंकि हम हैं अभी बुग्याल में है ना बुग्याल में है बुग्यालों में तो बहुत ही गजब का ठंड और मौसम ना जब कर सकते हैं कितना गजब लग रहा है यार मज़ा आ गया यहाँ पे क्या है तो क्या ही बताया यार दोस्तों अब हम निकल रहे हैं क्योंकि ऐसा मौसम ना बारिश भी आ सकती है बारिश का 101% मौसम बन रहा है अगर बारिश आ गई ना हम भीगते भीगते जाएंगे और बहुत दिक्कत आ जाएगी हमको तो दोस्तों ब्लॉग बहुत लंबा होगा जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि आने वाली बेहतरीन वीडियो आप तक बाय बाय सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरे प्यार भरे नमस्कार मैं किशन बोरा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल किशन बोरा ब्लॉग में तो दोस्तों आज हम फिर जा रहे हैं बुग्यालों में और चले चलते हैं कंधार से ठीक ऊपर हम पहुंचे ही हैं चले दिखाते हैं आगे का सफर कैसा रहे तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे ना ये कंधार कारगिल के ठीक आगे बेंड पे कल भी हम गए हुए थे बुग्यालों में तो कल यहाँ पर ठीक ठाक था तो आज ये सुबह मुझे लग रहा है ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई है यहाँ पर ये गाड़ी जो है किसी से टकरा गई है इसके आगे के गुब्बारे भी खुल गए हैं पूरे दोनों साइड के लेफ्ट और राइट के दोनों गुब्बारे खुले हुए हैं ना दोनों गुब्बारे खुले हैं देखिए गाड़ी की कंडीशन ना किस तरीके से हो रखी है गाड़ी देखिए बहुत ही देखिए यार बहुत नुकसान है ना ये अचार नंबर की गाड़ी है अचार 50H 7903 नंबर की गाड़ी है बिल्कुल मारुती की गाड़ी है बिल्कुल भचक के ऐसे हो गई है हैं अभी हम जैसे ही पहुंचे तो तब हमको पता लगा लेकिन ये हुआ है अभी फ्रेश ही हुआ है ना इसमें कोई लोग नहीं है यहाँ पर और कोई दिख नहीं रहे हैं चले गए शायद तो इस टाइप की घटना यहाँ पर अचानक घट गई है ये देखिए तो चल रहे हम धीरे धीरे आगे ताल की तरफ को और इधर छोटे छोटे गाँव भी इधर हैं दिखाएंगे आपको ये देखिए और मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है और आगे फॉग लगा हुआ है ये देखिए छोटे छोटे घर भी हैं ये बीना तोली यहाँ से 2 किलोमीटर है हैं ये देखिए यहाँ पर कुछ प्राइमरी पाठशाला है लग रहा है सी है स्कूल है बच्चों का बीना तोली मात्र 2 किलोमीटर ये ग्वाड़ से ग्वाड़ा छठ थोड़े यार है और बाज ब्रूज उतीस ये देखो झक्कास यार ये मैंने दोस्तों हम ग्वालदम से पहुंच गए हैं आगे और हम निकल गए ताल की तरफ को ऊपर को ये कहाँ जाती है रोड ये रोड ऊपर जाती है मंदिर के लिए रास्ता भी है यहाँ से बधानगढ़ी माँ बधानगढ़ी मंदिर के लिए रास्ता भी है और ऊपर ताल तक जाती है वहाँ से जाती है ये आगे पिंगलू बेल्ट है मचकोट अचकोट जाती है मचकोट ढुंगकुड़ी छत्याणी मचकोट ढुंगकुड़ी से लेकर आगे पिंगलू की तरफ जाती है और हम पहुंच गए प्रॉपर ताल में चल तो
दोस्तों अभी हम बीना टोली पहुँचे नहीं, पहुँचते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि हम हैं जंगलों के बीच में और बहुत ही आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है तो बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। ये देखिए पीछे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप यहाँ। तो फाइनली दोस्तों बीना टोली रह गया है 1 किलोमीटर और आज हम एक अलग जगह पर आए हैं। बुग्यालों में तो आए हैं और बुग्यालों से हट कर एक अलग जगह पर हम आए हैं जहाँ के मौसम को आप चेक कर सकते हैं, जंगल को भी चेक कर सकते हैं। क्या सुंदर जंगल है और चौड़ी पत्तीदार वाले पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों। ये है बीना टोली, हम बीना टोली पहुँच चुके हैं। है गोविंदा, अब बीना टोली में हम पियेंगे चाय, चाय का ब्रेक लेते हैं। चलिए आओ, बधानगढ़ी मंदिर गेट वाले पर निकलते हैं, चाय भी लेते हैं। फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं बीना टोली और यहाँ से जाते हैं माँ बधानगढ़ी मंदिर के लिए रास्ता। ये मेरे पीछे हम जा रहे हैं धीरे धीरे। आइए, गोविंद भाई भी आ गए हैं। चलिए चलो, हम पहुँच गए, अब पी लेते हैं चाय दुकान पर। चाय बना दो लाला जी, और ठीक ठाक। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, दो चाय बना दो कड़क वाली, और सब बढ़िया। हाँ मतलब वो कड़क वाली। मंदिर जा रहे हैं अभी? मंदिर नहीं तो अभी बेटा यहीं तक आए थे, चलो फिर मंदिर को भी जाए। और अभी तो मंदिर तो एक घंटा लगेगा जाने में। ये हम बानो, ये लाला जी हैं। और देखिए आज भी चाय ना चूल्हे पे बना रहे हैं, बहुत ही बढ़िया चाय, बहुत पुराने आदमी भी हैं। और बताओ तो कब बजे से तो दुकान यहाँ लगभग? तो बहुत समय हो गया, तो समय उमर बिल्ला से दुकानदारी है। बताओ 83 से दुकानदारी कर रहे हैं, तो पहले ठीक थी दुकानदारी? आप सही है, पहले अच्छी थी, आज क्या है, आज तो कुछ नहीं है, आज तो खाली समय निकालना है। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए चूल्हे पर चाय बन रही है अपनी जो है। ये 83 से दुकान इनकी हुआ करती थी और बता रहे हैं कि पहले जो है बहुत अच्छी दुकानदारी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे दुकानदारी भी कम हो गई है। कुछ नहीं है, तो बिजनेस का कोई भी चीज अभी देखो कुछ भी नहीं है, क्या है, सब ऐसी ही है। ठीक है, भजन ये वो बसला। हाँ फिर वही तो प्रोग्राम, पर वो भी चाहिए ना फिर हारमोनियम, और वो भी चाहिए तुम्हारा, वहाँ कहाँ होगा, वहाँ होगा। ये दोस्तों अभी मैगी किसंदा जो है अंडे के साथ खाएंगे, हम तो पक्का नॉन वेज नहीं खाते हैं, हम तो ये पक्के वाले बाबा है, हम तो पक्के वाले बाबा है। और किसंदा आप खाइए अंडे के साथ। मैं तो ठाकुर आदमी हूँ यार, मैं तो लूंगा ही लूंगा है। तो फाइनली दोस्तों मैं हूँ बुग्यालू में, और जैसे कि मैंने कहा आपके बुग्यालू के दर्शन, देखिए मेरे पीछे पूरे बुग्याल मिलेंगे, पूरे जंगल मिलेंगे, हरे भरे जंगल मिलेंगे। ठंड का मौसम और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया, ठंड बहुत हो रही है, पर मैं जैकेट भी लाया हूँ, जैकेट मैंने रखा है गाड़ी में, अभी जैकेट पहनूंगा नहीं। मेरे पीछे है ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे घर बना रखे हैं लोगों ने, उन घरों में लोग रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से बधानगढ़ी मंदिर है 2 किलोमीटर और अंग्यारी महादेव भी यही रास्ता जाता है, अंग्यारी महादेव। हाँ एक गेट वहाँ पर है और ये वाला भी जाता है शायद, यहाँ से भी जाते हैं, यहाँ से पहले बधानगढ़ी मंदिर फिर जाके वहाँ से जाना। हाँ नहीं मंदिर नहीं, मंदिर से नीचे ही यहीं से एक 400-500 मीटर जाके है, यहाँ से ऊपर से कहीं से है जो ये, मेरे को ऐसे याद आ रहा है, हम बहुत पहले गए हुए। अच्छा नीचे ये वाला गेट है, अभी दिखाते हैं आपको अंग्यारी महादेव वाला, और ये है अंग्यारी महादेव वाला, और अंग्यारी महादेव भी यहाँ से 8 किलोमीटर के आसपास, ये गड़िया जी बता रहे हैं यहाँ से। और अंग्यारी महादेव में भोली का निवास स्थान है, और वहीं से जो है गोमती बन के चलती है, गोमती का उद्गम ही अंग्यारी महादेव है। तो दोस्तों दिखाते हैं अभी आपको कौन सा गोमती अंग्यारी महादेव का गेट है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे भी थोड़ी देर। पर जब तक रोड नहीं थी तो दुकानें बहुत थी, बहुत चलते हैं बीना टोली पर, चाय की चुस्की और चाय का आनंद ले रहे हैं, और भाई साहब भी बैठे हैं हमारे बगल में। भाई साहब अपना शुभ शुभ नाम? किशोर जोशी। ये किशोर जोशी जी हैं, और कहाँ से बापू घर? घनियाल। इनका घर है घनियाल में, और ये लोग भी यहाँ पर, हमने पूछा, इन्होंने हमें जानकारी दी मंदिर के बारे में भी,
और बताया कि बहुत सारे श्रद्धालु भक्त लोग आते रहते हैं, तो हम भी आज हमारा भी मन करा, हमने कहा चलो आज वहाँ हो आते हैं अपना ग्वालदम, और वहाँ से हमने कहा बीनातोली हो आते हैं आज, ग्वालदम तो रोज ही आते हैं, तो हम लोग बीनातोली आ गए। और बीनातोली भी बहुत ही सुंदर जगह पर रही है, पूरा जंगलों के बीच में, बहुत ही मौसम का तो यहाँ अलग ही है जोशी जी, मौसम ना बहुत बेहतरीन मौसम है, देखिए है ना बहुत बढ़िया मौसम, और अगर थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हो जाए ना तो आदमी को यहाँ पर जैकेट पहननी पड़ेगी, बिल्कुल है ना, तो इस तरीके का मौसम है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर माँ का भी स्थान है, मंदिर है, तो यहाँ पर भक्त लोग आया करते हैं दर्शन के लिए दोस्तों, तो बहुत ही गजब। और चाय की चुस्सी है, चाय भी बहुत गड़िया जी ने चाय बना रखी, बहुत बेहतरीन है, ये बन गई है चाय, गोविंदा ने ली हुई चाय, कोई भी ले रहा किसने दे रहा तुमने? हाँ मेरे लिए है यहाँ। तो सर आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम है साहब मेहरबान सिंह गड़िया। ये मेहरबान सिंह गड़िया जी 83 से इनकी दुकान चल रही है, और ये है मंदिर के मुख्य गेट पर बीनातोली पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बता रहे हैं कि मंदिर में बहुत जगह अभी श्रद्धालु यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, एक तो कल पूजा है एडवांस में, आज मंदिर जा रहे हैं, कल पूजा फिर आएगी, और बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं और पानी की भी थोड़ी दिक्कत है वहाँ पर, नौले वो पुराने ही नौले होंगे, पुराने ही नौले वो पुराने ही जो बरसों से चले आ रहे हैं वही हैं, पर अभी पानी की भी उतनी खास व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, और रास्ते टूटे फूटे रास्ते हैं, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, मंदिर के बारे में भी चाचा ने बताया डिटेल में, और ये देखिए अपनी दुकान में दुकानदारी भी कर रहे हैं और लोगों को यहाँ से गाइड भी करते रहते हैं चाचा, और बताओ। और बाकी यहाँ पर प्रसाद प्रसाद सभी कुछ मिलता है, जो भी प्रसाद इनकी दुकान में मंदिर का पूरा सामान मिलता है, प्रसाद मिलता है, जो भी भक्त आता है वो यहाँ से जरूर प्रसाद लेके मंदिर की ओर जाता है और माँ के दर्शन करके फिर पुनः वापसी अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। ये है अंग्यारी महादेव जाने वाला मुख्य मार्ग, ये यहाँ पर गेट है बीनातोली पर, यहाँ से अंग्यारी महादेव लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मैं हूँ बीनातोली पर, और बीनातोली के जो अंग्यारी महादेव गेट पर हूँ, गेट के ठीक सामने पर हूँ, यहाँ से अंग्यारी महादेव 8 किलोमीटर है, अंग्यारी महादेव शिव की नगरी है, और वहीं से गोमती बन के चलती है, गोमती का उद्गम स्थान ही अंग्यारी महादेव है, तो गोमती अंग्यारी महादेव से बन के निकलती है। चिंटू आ गया, ये देखिए हम आ गए ताल पर, और ये छोटा छोटा हमारा डॉगी भी आ गया है, यहाँ पर है इनका गौशाला, ये देख सकते हैं ऐसे ये लोग यहाँ पर अपना जीवन बसर करते हैं, और यहाँ पर ये डोका है देख सकते हैं आप ये इस तरीके से, और ये सोल्टा यहाँ बोलते हैं इनको, यहाँ पर गढ़वाल में है, गढ़वाल में बोलते हैं सोल्टा, और इसी से जो है तमाम सामान। नमस्कार, और सब बढ़िया? तो अमोल देखो अमोल, चलो तुम लोग यहाँ पर हो जरा पूछ लेते हैं, और के उन्हीं हाल चाल के छीन, और बताओ अब यहाँ गौशाला भी घर ले हैं सब तुम्हारे, तो अच्छा और दूसरी गौर भैंस जरा बताओ। अच्छा, तो और बखार? चार बार बखार। अच्छा, कदू परिवार लगभग कदू परिवार मतलब कदू घर कदू मोहस नहीं तुम इतनी ये वाल में अच्छा, तो और घर यूँ कच्चे थी ना, वो वाला है ना पक्का वाला घर नहीं मिल रहा तुमको? अच्छा मिलन है ना आई लेना, तो तुम्हारा शुभ नाम के छू? मेरा नाम लक्ष्मी देवी। ये ताल छू ना प्रॉपर ताल, ताल में है लक्ष्मी देवी जी, आप देख सकते हैं मैं हूँ लक्ष्मी देवी जी के घर पे, इनसे बात चल रही है, और ये ताल का इलाका यहाँ पर है, और यहाँ पर इनका घर परिवार भी है, गाय भैंस भी यहीं पर है, और छोटा सा लकड़ी का घर है, इनके पास पक्का मकान भी नहीं है, इस तरीके से इस जंगल में इस बुग्याल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और इनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे कि देखो बरसात में भी इन्होंने छत में जो है मोड़ डाल रखा है और लकड़ी डाल रखी है, वो भी भारी बरसात होने पर इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, ऐसे ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बताओ बेटा, कहाँ पढ़ते हो आप लोग? कहाँ पर है स्कूल यहाँ? नीचे। तो नाम बताओ यार अपना नाम तो बताओ। ये है सत्यम, आप हो सोनी है ना, शिवानी, और ये सपना। अच्छा कितने में पढ़ते हो आप लोग?
आप दो में पढ़ते हो और आप ये चार में तुम डर क्यों रहा यार बेटा, डरते नहीं है ठीक है। ये चार में पढ़ रहा वो लड़की एक में और बहन आंगनबाड़ी। चले चले ठीक है ठीक है। तो और सब ठीक ठाक। और ये दराती भी देखो इन्हें कितनी भयंकर दराती रखी है। ये जंगल में तो चाहिए एक तो तुम्हारी व्यवस्था देखो ना। ये यहाँ पर देखिए ताल का क्षेत्र है पूरा, घर में दिखा रहा हूँ आपका। चीन भी नहीं है इनके पास, इस तरीके से ये लोग रहते हैं पूरा। ऊपर इन्हें मोड़ डाल रखा है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर भारी बारिश आ गई कोई दिक्कत होगी तो इनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। देखिए यहाँ पर बकरी भी इन्होंने बांध रखी है अंदर। इस तरीके से इन लोगों का अपना जीवन यापन होता है। देखिए यहीं पर चूल्हा है, वहीं पर वो लोग रहते हैं। ऊपर से कच्चा मकान है। चलो ये तो रहन सहन तो कोई बात नहीं, लेकिन मकान है कच्चा। तो अपू नाम की छू, अपू शुभ नाम? नाम सुनीता देवी। ये कौन सा था सुनीता देवी? बताओ आप, बताओ क्या दिक्कत है आपको, बताओ। दिक्कत के तो मकान परेशानी, मकान तो दिख ही रहा बहुत मकान। सुनीता देवी जी है, छोटे छोटे बच्चे। ये बरसात में अभी बरसात आ गया प्राणन भीतर, टूटने का डर रहता है, टूटना डर सा, छोटा छोटा बच्चा सीनियर, छोटे छोटे बच्चे, इनका ध्यान रखना है ना। तो चलिए फिर, और खाने पीने का कैसे, खेती का क्या है तुम्हारा खाने पीने? खेती पाती रहा है जंगल में, खेती पाती नहीं। हाँ यहाँ क्या खेती पाती होती है? तो खाना पीना सब वही बाजार का है। बहुत ज्यादा दिक्कत है।